क्या बीसीसीआई को भारत के साथ जो मैच हो रहा है पाकिस्तान का अहमदाबाद में, उसे रद्द कर देना चाहिए, पाकिस्तान को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, लठ मार के भगाना चाहिए ऐसे लोगों को? अगर हमारी भारतीय सेना को अगर गिरा रहे हैं वो, मार के आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उन्हें लठ मार के भगाना चाहिए। मोहम्मद रिजवान अगर वो खिलाड़ी है तो उसने फिलिस्तीन का सपोर्ट क्यों करा? अगर वो खिलाड़ी है तो वो पॉलिटिक्स क्यों कर रहा है? अगर वो खिलाड़ी है तो वो हिंदुओं को गाली क्यों दे रहा है? इस बात का जवाब दीजिए। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के क्रिकेटर का मनोरंजन करने के लिए हमारे भारतीय लोग हमारे बीसीसीआई के जैसा इतना गिर चुका है कि वो क्या कहते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटरों के आगे हमारी भारतीय नारियों को नचवा रहा है, उनका खाना पीना इतना अच्छे से करवा रहा है। आईसीसी की तो गाइडलाइन सही कहती है, अगर आप पॉलिटिक्स करते हुए पाए गए, अगर आप किसी धार्मिक बातों को करते हुए पाए गए, तो आप तो तुरंत निकाल दिए जाओगे। और इसी यहाँ पे तो एमएस धोनी के ग्लव्स उतार दिए गए। एमएस धोनी के बारे में तो पता होगा, 44 जवानों के शहीद में ग्लव्स में उसने शहीद चिन्ह बना रखा था, तो फिर हमारे एमएस धोनी के साथ क्यों उसने गलत करा? अभी अनंतनाग में आपने देखा होगा 3 जवान मारे गए, पुलवामा में 44 जवान शहीद हो गए। इतने जवान शहीद हो गए ना, एक बार अगर कोई जवान शहीद हो जाता है तो पता नहीं मोमबत्ती खरीदने के इनके पास पैसे कहाँ से आ जाते हैं। मोमबत्ती जलाएंगे, दो चार सोशल मीडिया पर रोएंगे, अरे यार हमारे जवानों के साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब पाकिस्तान और क्रिकेटर का मैच होगा ना, इंडिया भारत और पाकिस्तान का, तो वहीं पे पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। और अगर कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर भारत में आ जाए, अरे सेल्फी सेल्फी, अरे सर 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 सर, क्या पाकिस्तान की जो इनकम है वो खाली खाली $3 बिलियन की है, और सनी लियोनी की जो इनकम है ना वो $5 बिलियन की है। पिट तो दोनों ही है, बच तो दोनों ही है, एक प्रोड्यूसर से और पाकिस्तान भारत से। पाकिस्तान क्रिकेटर को खुश कराने के चक्कर में तुम हमारी भारतीय नारियों को नचवा रहे हो? ये पाकिस्तानी क्रिकेटर के आगे ये लड़कियों को नचवा रहे हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना वो कर रहे हैं, उन्हें खुश कर रहे हैं क्यों? एमएस धोनी हमें याद रहेगा, हमारे भारत के जब जवान शहीद हुए, एमएस धोनी ने बस अपने हाथ में सिंबल बनाया था शहीदों के लिए। कैसे आईसीसी ने उतरवा दिया था, मैं तो उस आईसीसी को भी लात मारता हूँ। और भारतीय सेना का ये अपमान करने के लिए ये लोग पाकिस्तान के क्रिकेटरों को नचवा रहे हैं, उनके सामने लड़कियों को खाना खिलवा रहे हैं। अच्छा अच्छा भाई, मैं तो बहुत बुरा मानता हूँ और मैं तो जैसा को रोस्ट कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल। अगर जैसा ऐसे करेगा तो जैसा भी आतंकवादी है, वो भी देशद्रोही है। पैसों के चक्कर में कैसे गद्दियां बिक जाती हैं, पैसों के चक्कर में कैसे बीसीसीआई का जैसा बिक जाता है? अरे तो पैसों के चक्कर में बिक जाता है, सरकार तो आपकी है। आप लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, फिर क्यों पाकिस्तान के खिलाड़ी को भारत में खिलवाने के लिए हम क्यों मरे जाते हैं, क्यों पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में बुलाने के लिए हम मरे जाते हैं, उनको वीजा ही नहीं देना चाहिए था। इसके बाद अगर यदि फिलिस्तीन को समर्थन दे दिया है, गाजा को समर्थन दे दिया है, आतंकवादी को समर्थन दे दिया है, तो तत्काल प्रभाव से क्यों नहीं देश से भगा दे रहे हैं आप लोग? आपको लगता है देश से भगने वाले हैं? पहली बात तो मैं आपके एक सवाल का कंटेंट क्यों फैलाया जाता है कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया? जब तो मैं विरोध कर रहा हूँ, और विरोध कर किस चीज कर रहा हूँ? जब तो मैं विरोध कर रहा हूँ खाली पाकिस्तान के क्रिकेटर का मनोरंजन करने के लिए हमारे भारतीय लोग हमारे बीसीसीआई के जैसा इतना गिर चुका है कि वो क्या कहते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटरों के आगे हमारी भारतीय नारियों को नचवा रहा है, उनका खाना पीना इतना अच्छे से करवा रहा है। हैदराबाद में जब एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ये कह रहा है कि मुझे बीफ चाहिए, और हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष जो सीट पे बैठते हैं जैसा, वो आराम से सुनने क्यों सुनने? एक तरफ तुम कहते हो गाय को माता, और उस दूसरी तरफ हैदराबाद में जो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं वो कह रहे हैं हमें बीफ चाहिए, हमें भैंस का मीट चाहिए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या है? मनोरंजन जो है भारतीय सेना के बलिदान से अब ज्यादा जरूरी हो गया है, मुझे तो लगता है ऐसे ही होगा। भारतीय सेना के सम्मान से ज्यादा जरूरी हो गया है मनोरंजन। मैंने आपको कह तो दिया, हमारे देश में दोगले लोग बहुत सारे हैं। अभी अनंतनाग में आपने देखा होगा 3 जवान मारे गए, पुलवामा में 44 जवान शहीद हो गए। इतने जवान शहीद हो गए ना, एक बार अगर कोई जवान शहीद हो जाता है तो पता नहीं मोमबत्ती खरीदने के इनके पास पैसे कहां से आ जाते हैं। मोमबत्ती जलाएंगे, दो चार सोशल मीडिया पर रोएंगे, अरे यार हमारे जवानों के साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब पाकिस्तान और क्रिकेटर का मैच होगा ना, इंडिया भारत और पाकिस्तान का, तो वहीं पे पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। और अगर कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर भारत में आ जाए, अरे सेल्फी सेल्फी, अरे सर 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 सर, क्या मजाक चल रहा है? तुम पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए पागल हो रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो इनकम है वो खाली खाली $3 बिलियन की है, और सनी लियोनी की जो इनकम है ना वो $5 बिलियन की है। पिट तो दोनों ही है, बच तो दोनों ही है, एक प्रोड्यूसर से और पाकिस्तान भारत से, बच तो दोनों ही है। तो ये इतना चीप है हमारे भारत के लोग, हमारे भारत के लोग, मैं पाकिस्तान को गाली दूं क्यों? हमारे भारत के लोग इतने चीप है कि वो पाकिस्तान और भारत का जब मैच होता है ना तो देखने में बहुत उत्सुकता रखते हैं, लेकिन जब युद्ध होता है तो पीछे हटा लेते हैं अपने पैर, और यही होता आ रहा है। क्या बीसीसीआई को भारत के साथ जो मैच हो रहा है पाकिस्तान का अहमदाबाद में, उसे रद्द कर देना चाहिए, पाकिस्तान को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, लठ मार के भगाना चाहिए ऐसे लोगों को?
अगर हमारी भारतीय सेना को अगर गिरा रहे हैं वो, मार के आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उन्हें लठ मार के भगाना चाहिए। सिर्फ क्या है, दो चार पैसों की तो बीसीसीआई पे कमी नहीं है। आप हिस्ट्री खोल के देखो, गूगल खोल के देखो, बीसीसीआई पे तो इतना पैसा है, आईसीसी को भी खरीद लेगा, इंटरनेशनल क्रिकेटर काउंसिल। तो ऐसे बीसीसीआई कर क्यों रहा है? पहली बात तो अभी सोचो कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव तो नहीं है कि हमारे पे इतना सारा फंड आएगा, यहाँ से आएगा। ये नेता के जो तमाम बच्चे होते हैं ना तो जैसा के पास कोई नॉलेज है, और आप ही लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये तो खाली बीजेपी को ट्रोल कर रहा है। मैं खाली बीजेपी को नहीं, लालू यादव की बेटी पे कितना नॉलेज है जो स्विट्जरलैंड में काम कर रही है, बताओ। इनके पास नॉलेज वॉलेज कुछ होती नहीं नेताओं के बच्चों के पास, और जब जवान शहीद होता है तो उनके ऊपर पॉलिटिक्स करने लगते हैं। अभी मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, अभी ये कोई मलिक नाम का व्यक्ति था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो क्या सतपाल मलिक ने तो ये कहा था कि ये जो पुलवामा हमला जो हुआ है वो मोदी सरकार ने कराया है, वो मोदी जी ने कराया है। तो 1% के लिए तो सतपाल मलिक भी रोए थे भाई, रोया तो दोनों है, राइट भी रोया लेफ्ट भी रोया है। अगर मोदी जी रोए 44 जवान शहीद होने के बाद, तो विपक्ष भी रोया है, रोया विपक्ष। लेकिन आज ये लोग क्यों नहीं रो रहे? किस बात पे रोएगा विपक्ष? क्योंकि उनके अरे भाई क्रिकेटर, ये पाकिस्तान क्रिकेटर को खुश कराने के चक्कर में तुम हमारे भारतीय नारियों को नचवा रहे हो भाई, बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, भारत के दो चेहरे हैं। पहला चेहरा, जब कभी भी 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, तो दो दो समोसे के लिए, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, चाहे भले तुम मेरी वीडियो को ट्रोल करना, दो दो समोसे के लिए ये रैलियों में जाते हैं भारतीय का झंडा लेके। लेकिन जब कोई भारतीय क्रिकेटर अगर पाकिस्तान से हारता है तो वहीं पे रॉकेट छोड़ते हैं, वहीं पे दिवाली बनाते हैं। काश अगर ये हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ होता ना नचवाने वाला, तो ये मैं उत्तर प्रदेश छोड़ देता। भाई साहब, ये भी तो भाजपा के शासित प्रदेश में हुआ है, गुजरात में हुआ है, वहाँ लड़कियों को नचवाया गया है। इस बात का ही तो दुख है। अगर ये यही मामला अगर यदि हैदराबाद में हो गया रहता, तो फिर लोग यहाँ पे जो है सो रुदाली गैंग जो है सो एकदम रोने लग जाता, बिलखने लग जाता। ही तो दुख है हमें, तो लगता मेरे को नहीं, मैं पहली बता चुका हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, लेकिन जो जनता है, जनता को तो ये लगता था कि हाँ भाई जो बीजेपी है वो अब देश को स्ट्रॉन्ग कर रही है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि G20 हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अब पता पड़ रहा है कि यार हमारे पाकिस्तानी, ये हमारे नहीं, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर के आगे ये लड़कियों को नचवा रहे हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना वो कर रहे हैं, उन्हें खुश कर रहे हैं। क्यों? MS धोनी, हमें याद रहेगा हमारे भारत के जब जवान शहीद हुए, MS धोनी ने बस अपने हाथ में सिंबल बनाया था शहीदों के लिए, कैसे ICC ने उतरवा दिया था। मैं तो उस ICC को भी लात मारता हूँ जो हमारे भारत की सेना को, साइंस पता है क्या कहता है? साइंस कहता है कि तुम 40-45 से 50 डिग्री से ऊपर तुम रह नहीं सकते। मैं यही तो कहता है कि 50 डिग्री से तुम ज़्यादा रह नहीं सकते। तो साइंस फेल तब क्यों मार जाती है भारतीय सेना के आगे, जब वो भारतीय सेना का जो नौजवान राजस्थान में रेगिस्तान में वहाँ पे खड़ा होता है 60-65 डिग्री पे, साइंस तो ये कहती है 50 डिग्री से ज़्यादा रह नहीं सकते। अच्छा, साइंस तो ये कहती है कि भाई तुम 1 डिग्री 2 0 डिग्री या -1 डिग्री पे भी नहीं रह सकते। तो ऐसी भारतीय जवानों में क्या ताकत है कि वो हिमाचल में जो बर्फ के जो गोले, बर्फ जो चलती रहती है, वहां पे खड़े होते हैं। साइंस भी झुक जाती है हमारी भारतीय सेना के आगे, और भारतीय सेना का ये अपमान करने के लिए ये लोग पाकिस्तान के क्रिकेटरों को नचवा रहे हैं, उनके सामने लड़कियों को खाना खिलवा रहे हैं। अच्छा अच्छा भाई, मैं तो बहुत बुरा मानता हूँ, और मैं तो जय शाह को रोस्ट कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल। अगर जय शाह ऐसे करेगा तो जय शाह भी आतंकवादी है, वो भी देशद्रोही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करते हैं सर आप? एडवोकेट हैं। अच्छा, एक एडवोकेट होने के नाते कानून की अच्छी समझ होगी, देश का अच्छा समझ होगा आपको। अभी भारत का जो है अनंतनाग में हमारे जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद जो है पाकिस्तान को लोग बहुत बुरा भला कहा। ठीक एक महीने बाद जो है अब भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, और उस मैच से पहले इसी देश में आगे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो गाजा के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, उसके बाद फिलिस्तीन को समर्थन दे रहे हैं। क्या ऐसे खिलाड़ियों को हमारे देश में आने देना चाहिए? अगर फिर आ गए हैं तो उनको भगा नहीं देना चाहिए देश से? देखो, एक कॉरपोरेट सिस्टम है जी, वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप में अगर कोई भाग ले रहा है हम उनसे कुछ नहीं बोलेंगे। जब बात आती दो देशों की, हर देश में हर नागरिक एक जैसा नहीं होता। अभी जैसा भाई बोल रहा था कि यहाँ से भगा दो, क्यों भगा दो? वो एक खिलाड़ी है और एक सैनिक में बहुत फर्क होता है। अगर ऐसा हम करने लग गए ना, खिलाड़ी सैनिक और हर एक नागरिक को एक नजर से देखने लग गए, तो फिलिस्तीन में और भारत में कोई फर्क नहीं बचेगा। इन भाई ने बोला कि वो खिलाड़ी है, अगर वो खिलाड़ी है तो उसने फिलिस्तीन का सपोर्ट क्यों करा? अगर वो खिलाड़ी है तो वो पॉलिटिक्स क्यों कर रहा है? अगर वो खिलाड़ी है तो वो हिंदुओं को गाली क्यों दे रहा है? इस बात का जवाब दीजिए। मोहम्मद रिजवान, उसने साफ कहा हम फिलिस्तीन के साथ हैं। फिलिस्तीन के साथ क्यों है? अलग बात क्यों? सुनो, एक खिलाड़ी, थोड़ा सा हम लोग साइड में आ जाए, एक मिनट। मैं कह रहा हूँ एक मिनट, सपोर्ट में तो कांग्रेस भी आ रही है,
तो फिर कांग्रेस इलेक्ट क्यों कर रही है? कांग्रेस को वोट तो हम तुम नहीं दे रहे हो ना, बिल्कुल इस देश की जनता दे रही है ना, तो कांग्रेस इस देश में एग्जिस्ट क्यों कर रही है? वो तो चलो पाकिस्तान हो गया, इसको यहाँ से भगा दो, वो तो इस देश का नागरिक नहीं है, सबसे पहले कांग्रेस भगाना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कांग्रेस ने करा, CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी में साफ प्रस्ताव पास कराया कि हम फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। क्यों? हमारे देश में तो इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, ये क्या वैसी नाटक चोला लेके घूमते रहते कि हम महंगाई खत्म करेंगे? अपनी वर्किंग कमेटी में उन्होंने बेरोजगारी का सवाल नहीं उठाया, महंगाई का सवाल नहीं उठाया, फिलिस्तीन का सपोर्ट करेंगे, अपना भारत देश संभल नहीं रहा कांग्रेस से, अपना भारत देश संभल नहीं रहा, हमारे भारत के मुसलमान भाई तो संभल नहीं रहे जो बेचारे छोटे छोटे तबकों पर काम करते हैं, वो फिलिस्तीन का सपोर्ट करेंगे? नहीं वकील साहब, एक बात बताइए, आपने कहा कि जो खिलाड़ी हैं वो उनका बात अलग है, तो खिलाड़ी को भी राजनीति नहीं करना चाहिए? खिलाड़ी को जो है वो पॉलिटिकल बातें नहीं करना चाहिए? खिलाड़ी को किसी आतंकवादी का समर्थन नहीं करना चाहिए? कोई भी इंसान है, उसकी अपनी एक सोच हो सकती है, अपनी एक राय हो सकती है, तो अगर कोई एक खिलाड़ी किसी को सपोर्ट कर रहा है, हमें उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए, पूरे टीम के बारे में नहीं। भाई ने कहा पूरी टीम एक देश को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर हमारे भारत देश में से भी, इंडिया में से भी अगर कोई भी प्लेयर किसी को सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा भारत उसको सपोर्ट कर रहा है, पूरी भारतीय टीम उसको सपोर्ट कर रही है। तो क्या मोहम्मद रिजवान ने जो सपोर्ट किया तब तो उसे हटा देना चाहिए BCCI को? अगर वो ऐसा कुछ सपोर्ट कर रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है, उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि इस बात पर एक्शन हम नहीं लेंगे, इस बात पर एक्शन उसका देश लेगा, उसका देश कमेटी लेगा। उसका देश तो चाहता ही नहीं है कभी भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने कहा कि आप वकील हो, आपको तो मेरे से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ। ICC की तो गाइडलाइन सही कहती है, अगर आप पॉलिटिक्स करते हुए पाए गए, अगर आप किसी धार्मिक बातों को करते हुए पाए गए, तो आप तो तुरंत निकाल दिए जाओगे। और इसी यहाँ पे तो MS धोनी के ग्लव्स उतार दिए गए। MS धोनी के बारे में तो पता होगा, 44 जवानों के शहीद में ग्लव्स में उसने शहीद चिन्ह बना रखा था, तो फिर हमारे MS धोनी के साथ क्यों उसने गलत करा? हमारे भारतीय क्रिकेटर, अगर बात करेंगे तो मैं अपने भारतीय क्रिकेटर पर बात करूंगा, मुझे गर्व है MS धोनी पे, अगर उसने शहीदों का वो लिखवाया था, दोनों का जवाब दीजिए, पाकिस्तान क्यों निकालेगा? हम निकालेंगे ना। जब धोनी कौन से देश का वो है कैप्टन, तो वो कौन लेगी एक्शन, कौन लेगी? भारतीय टीम। लेकिन भारतीय टीम ने तो लिया ही नहीं, लेकिन भारतीय कमेटी ने तो लिया ही नहीं, और किसने? ICC इंटरनेशनल क्रिकेटर काउंसिल, उसने क्यों लिया? BCCI है भाई, मैं तुम्हें बता देता हूँ, चाहे भले ही वकील हो, मैं आपको थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ। BCCI जो है वो हमारे भारत की है, और ICC जो है वो पूरे इंटरनेशनल की है, तो ICC ने क्यों निकाला? हमें तो भारत BCCI को निकालना चाहिए, तो इस बात का जवाब दो। मैं बता रहा हूँ भाई, होता पता क्या है, गलती आपकी नहीं है, चाहे भले ही आप वकीलों की पढ़ाई कर रखी है, गलती उस हर एक इंसान की है जिसे अपने भारत के बारे में पता ही नहीं है, जो अपने भारत देश के बारे में सोचता ही नहीं है, अपने निजी कामों से हटके वो कुछ सोचता ही नहीं है। अगर आपको पता होता ना, अगर आपको पता होता कि कैसे हमारे देश की सेना कैसे रेगिस्तान में पैरवी करती है, कैसे वो करती है।